चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखने वाले हैं आज? क्लास 11th है, उसमें चैप्टर 8 है अनुक्रम तथा श्रेणी। उसमें एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखिए आप, जब से तेरे नैना इस क्वेश्चन से लड़े हैं तो तुझे मजा आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन? 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 5 के गुणज हो। तो 5 के गुणज 100 तथा 1000 के बीच कौन कौन से होंगे? 100 के बाद तो 105 आएगा जो कटेगा 5 से। यहाँ पर देखिए, 105 को 5 से काट सकते हैं, 5 × 2 = 10 और 5 × 5। और यहां पर आखिरी में कितना आएगा? 995 जो 5 से कटेगा। 5 × 5 5 × 5 = 45, 5 × 5 = 45। तो ये 995 कटेगा 5 से, तो ये 115 होगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 115 भी कटेगा, 120 भी कटेगा, और भी बहुत सारे कटेंगे यहाँ पर 5 से। तो आखिरी में कौन सा? 995। तो इनके बीच में जो सबका योग ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एन ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने पद हैं जो 5 5 के गुणज हैं। 100 और 1000 के मध्य कितने कितने 5 के गुणज हैं वो ज्ञात करने के लिए एन ज्ञात करेंगे, कितने हैं वो। तो एन ए क्या हमारा, ए क्या रहेगा? 105। और यहां पर डी क्या रहेगा? 5, क्योंकि 5 ही है, 5 के गुणज 5 5 5 जोड़ते जाएंगे तो ये बनता जाएगा समांतर श्रेणी। अब यहां पर देखिए, एन क्या है, लास्ट टर्म क्या है? 995। अब यहां पर एन का सूत्र लगा रहा हूं मैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपको सूत्र याद होगा, आपने 10th में भी पढ़ रखा है। अब यहां से 995 एन बराबर रख दिया मैंने, 995 ए बराबर क्या है? 105 प्लस में एन माइनस डी क्या है? 5। अब यहां पर देखिए आप, ध्यान से देखना, ध्यान से जरा तू देख ले क्या है रे, देख ले 995 में से माइनस 105 कैसे, ये इधर आया तो माइनस का बन गया एन माइनस 1 और 5 इनटू में। अब यहां पर माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, 9 ऐसा का ऐसा, 9 में से 1 गया तो 8 यहां पर हो गया। अब जो 5 है वो भी इधर आएगा डिवाइड में। अब यहां बचा एन माइनस 1, ये काटेंगे इसको तो 5 × 5 8 में से 5 गया तो 3, तो 535, और कितना बचा? 39 में से 35 गया तो 4, तो 5 × 8 = 40, तो 178 आया है। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, यहां पर एन बचा, एन बराबर कितना आ जाएगा? 179, 179 आया एन बराबर। तो अब यहां पर हमारा पूरा क्वेश्चन होने वाला है। अब हमें उनके सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है बीच में। तो योग ज्ञात करने का सूत्र है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a + n − 1 d। ये है सूत्र हमारा, तो इसको ध्यान से देखिए। अब यहां पर क्या होगा हमारा, यहां पर n बराबर क्या है? 179, यहां पर भी 179 अपॉन 2 2 इंटू ए क्या है? 105 प्लस में एन क्या है हमारा? 179 − 1 और डी क्या है हमारा? 5, तो ये 5। अब यहां पर देखिए 179 / 2, अब 2 का उन्हें 105 में करेंगे तो 5 × 10 हासिल आया 1, 2 × 1 = 2, 210 हो गया है। अब यहां से 179 में से 1 गया तो कितना बचा? 178, 178 का गुणा करेंगे 5 में,
तो यहां पर उसका गुणा कर लीजिए। अब यहां पर देखिए आप 179 अपॉन 2 है, इसके इनटू में 210 प्लस 548 का 4 हासिल आया यहां पर 4, तो 535, 35 और 4 39 का 9 हासिल आया 3, 5 एकम 5 और 3 8, तो 890 आया है यहां पर। अब यहां पर देखिए 179 अपॉन 2 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0 का 0 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 8 और 2 10 और 11, इसको काटेंगे यहां पर तो 2 5 10, 2 5 10, 0 का 0। अब यहां पर 179 और 550 का गुणा करना है तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये गुणा आप भी करके देखिए और हम भी कर रहे हैं यहां पे साइड में, तो इसका गुणा करेंगे तो 179 इंटू 550। तो यहां पर देखिए पहले 55 का कर लेते हैं, आखिरी में 0 लगा देंगे। 5 9 के 45, 45 का 5 हासिल आया 4, 5 7 35, 35 और 4 39, 39 का 9 हासिल आया 3, 5 5 5, 5 और 3 8, यहां पर भी ऐसा कैसा हो जाएगा 5 9 8, यहां 5 का 5 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल आया 1, तो ये 18 हो गया, 18 का 8 हासिल आया 1, तो ये 9 हो गया, आखिरी में 0 लग गया। तो कितना आया हमारा एस 179 इक्वल 98,450, यही आंसर रहेगा। और जो इस क्वेश्चन में आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।